बुला लिया और उनके कपड़े उतार के दोनों पार्टियों के दोनों दलित समाज के कपड़े उतार के एसएचओ साहब ने लॉकअप में डाल दिया बिना किसी। जो भी ये लोग बंद कर रखे थे इनको एक आतंकवादियों की तरह कपड़े उतार कर, जैसे इस देश के नागरिक ना हो, आतंकवादी हो, विदेशी हो, इस तरीके से इन लोगों ने लॉकअप में डाल रखा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज़ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों कल हरियाणा के सोहना थाना का घेराव किया गया। जी हां, भीम आर्मी द्वारा एसएचओ सोहना को बर्खास्त करने की मांग को लेकर कल जो सोहना थाना है उसका घेराव किया गया भीम आर्मी द्वारा। और उनका कहना है कि सोहना एसएचओ की जातिगत मानसिकता के कारण निर्दोष लोगों पर झूठा केस दर्ज किया गया है, उसके विरोध में सोहना थाना का घेराव किया गया है। और उनका कहना है कि एसएचओ सोहना को जल्दी बर्खास्त करें। और उन्होंने कहा है कि एसएपी जो सोहना है उन्होंने जल्दी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, अगर फिर भी एसएचओ सोहना के खिलाफ कानून कार्रवाई नहीं हुई तो भीम आर्मी बड़ा आंदोलन करेगी। जी हाँ, आप वीडियो में देख सकते हैं भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, सुने वीडियो और देखें। बेगुनाह लोगों को जबरन थाने के अंदर झूठा मुकदमा दर्ज करके पूरी रात रखा जाता है, और जब इनसे एसएचओ महोदय से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, लेकिन फिर भी जबरन उनके आतंकवादियों की तरह कपड़े उतरवाकर जबरन पूरी रात उनको रखा जाता है। समझौते के नाम पर उनको बुला लिया और उनके कपड़े उतार के दोनों पार्टियों के दोनों दलित समाज के कपड़े उतार के एसएचओ साहब ने लॉकअप में डाल दिया बिना किसी रीजन के, जबकि जब दोनों पार्टियां समझौता करना चाहती हैं, दोनों पार्टियों का मामूली झगड़ा हुआ है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं था, तो उन्होंने उनको लॉकअप में नहीं डालना था और उन्होंने जबरन उनको लॉकअप में डाला और उनमें से एक निर्दोष व्यक्ति को भी साथ साथ लॉकअप में डाला। और मैं एज ए सोशल वर्कर और मौजूदा व्यक्ति के तौर पर मैं और दो चार लोग और वहां पर आए थे, उन्होंने मेरे साथ भी बदतमीजी की। मैंने जब उन्हें रोकना चाहा तो उन्होंने कहा, मतलब इतना मिसबिहेव किया मैं आपको बता नहीं सकती। तो आपने आला अधिकारियों से शिकायत करी, क्या वहाँ कोई समाधान हुआ इसको? हम एसडीएम को कल हमने एप्लीकेशन दी थी और साथ साथ एसीपी साहब को भी दी थी। एसीपी साहब ने कहा मैं उन्हें बुलाऊंगा, लेकिन उस टाइम उन्होंने नहीं बुलाया जिस टाइम हम गए। लेकिन ये प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा आपका? ये प्रदर्शन अगर आज एसएचओ साहब का ट्रांसफर ये यहाँ से कराते हैं तो हम इसको आज खत्म करेंगे, अगर जब तक एसएचओ साहब का यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि हमें ऐसा एसएचओ नहीं चाहिए जो किसी की रिस्पेक्ट ना करता हो, जो बिल्कुल भी जिसके अंदर मानवता ना हो, जो इतना करप्ट हो कि बिना बात के निर्दोष लोगों को लॉकअप में डाल दे, हमें ऐसा एसएचओ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर ये आज नहीं होता है तो हम कल से रोज एक घंटे का उपवास वो भूख हड़ताल करेंगे, अगर ये हमें यहाँ करने देते तो ठीक है, वरना हम बाबा साहेब की मूर्ति पर बैठ के रोज एक घंटे की भूख हड़ताल करेंगे जब तक ये एसएचओ यहाँ से ट्रांसफर नहीं होता। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हमारे से एक मिनट बता दो, बता देना अपना बच्चा क्या मामला जी। मेरा नाम सोनू कबीर पंती है, हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भीम आर्मी। सर जैसा ये मामला मेरे संज्ञान में आया तो मैंने दो दिन पहले एसएचओ साहब से बात की थी, मैंने उनसे पूछा था कि सर पहले मुझे ये बताइए कि किस बेस पे आपने इन लोगों को बंद किया है, क्या आपने एफआईआर की है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, और इनको 15-20 मिनट में छोड़ दिया जाएगा। मेरे पास उसकी कॉल रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप कहो तो मैं दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया कोई भी मुकदमा नहीं है, और इन लोग जो भी ये लोग बंद कर रखे थे इनको एक आतंकवादियों की तरह कपड़े उतार कर, जैसे इस देश के नागरिक ना हो, आतंकवादी हो, विदेशी हो, इस तरीके से इन लोगों ने लॉकअप में डाल रखा था। और जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो मेरे पास सुबह जब मॉर्निंग में फोन आया, मैंने एसएचओ से जब बात करी तो मैंने एसएचओ साहब से कहा कि एसएचओ साहब एक तो आपने कहा था कि कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ये लोग निर्दोष है और मैं इनको छोड़ दूंगा। पहला सवाल तो यही है, जब कोई मुकदमा दर्ज ही नहीं था तो इन्होंने उनको बंद करके क्यों रखा? दूसरा ये है, इन्होंने उनको छोड़ा नहीं और एक आतंकवादी को जैसे ट्रीट किया जाता है उस तरीके से इन लोगों ने बेगुनाह लोगों को
ट्रीट किया और उसके बाद में सुबह खुद मेरे साथ मिसबिहेव एसएचओ ने कहा किया और जब मैंने कहा कि ये सरासर पुलिस की गुंडागर्दी जो हो रही है, न्याय के लिए पुलिस को माना जाता है लेकिन पुलिस जो है जनता के रक्षक ही आज भक्षक बने हुए हैं। अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग यही है, ऐसे एसएचओ को बिल्कुल भी प्रशासन में रहने का अधिकार नहीं है, उनको बर्खास्त किया जाए, अदरवाइज यहाँ से उनका ट्रांसफर करके। अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है तो उसके बाद वो जिस तरीके से अभी हमारी बहन ने बताया है डेली एक घंटे की भूख हड़ताल रहेगी और अभी तो हम कुछ संख्या में लोग सिर्फ पुलिस प्रशासन को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस दलित समाज पर और किसी भी महिला पर अत्याचार करना बंद कर दें, आप कानून के नुमाइंदे हैं, आप कानूनी प्रक्रिया के तहत करें। ये लोग जहां क्रिमिनल होते हैं उनको तो पकड़ने की इनकी हिम्मत नहीं होती और बेगुनाहों को ये जुर्म बिना जुर्म के जेलों में डाल देते हैं। गैंगोला का मामला है, रेप पीड़िता है, कई महीने हो चुके हैं, आज तक उनमें इन्होंने किसी भी आरोपी को अरेस्ट नहीं किया है लेकिन यहाँ लोग अपने ऑफिसों पे होते हैं और ये जबरन झूठा मुकदमा बनाकर और उनको बंद करने का काम करते हैं। ये तानाशाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जनता के टैक्स के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है, ये बात इनको समझनी चाहिए, ये जनता के नौकर है। हमारी कार्रवाई ये है, अगर अल्टीमेट हमारे यहाँ के लोग देंगे, अगर उतने दिनों में कोई भी एक्शन प्रशासनिक बड़े अधिकारियों के द्वारा नहीं लिया जाता है तो चाहे हमें रोडों पर उतर कर आंदोलन करना पड़े, फिर व्यवस्था जो खराब होगी उसकी जिम्मेवारी यहाँ के डीसी महोदय की और सीपी महोदय की होगी और इसके बाद बड़ा आंदोलन किया जाएगा। एक घंटे की भूख हड़ताल क्या होती है, एक घंटे की भूख हड़ताल करोगे। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए मिशन के साथ भूपेंद्र सिंह सोनवाल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान।